आप लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आयशा असलम। मैं हूं हादिया खान। तो गाइस अभी हम जिस लेकिन जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे, उस वीडियो का नाम है 100 बिलियन दिरहम ट्रिगर इंसान की वीडियो है, स्टोरी टाइम। अच्छा, शायद कोई स्टोरी सुनाएगा। स्टोरी से पहले मैं एक बात बताऊं, कुछ लोगों के दांत में कीड़ा होता है मगर हमारी हादिया के, समझ रहे हो? मेरी मर्जी है तो है, 12 इंच का मैंने देखा है अपनी आंखों से। कीड़े की बात कर रही हूँ, चादर की फटी हुई होती है उससे। बाकी वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो आगे देखने से पहले जो हमारे चैनल पे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें। यार स्टार्ट करें। उड़ी बाबा सबर करो। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, यही है हमारी आज की स्टोरी का थीम। तो ये बात है उस जमाने की। ये बात एक्चुअली में है 5 जून 2021 शाम के 4 बजे की, जब मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और तभी अचानक मेरा वो पीसी जो आपने स्ट्रीम या वीडियोस में कई बार देखा होगा उसकी डिस्प्ले उड़ गई। पीसी चल रहा था लेकिन उसका ग्राफिक कार्ड खराब हो गया। जी भाई खत्म, बाय बाय, गया। मैं टेंशन में, यार काम कैसे करूंगा, गेम्स कैसे खेलूंगा, रिकॉर्ड एडिट कैसे करूंगा। मैं इतना स्ट्रेस्ड आउट था तो डिस्कॉर्ड पे अपने दोस्तों से ही ऐसे बात कर रहा था कि क्या करूं। एंड तभी मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी, अपने बेस्ट फ्रेंड की सलाह मान के, जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाते हैं चड्डी। चड्डी मुझे कहता है, भाई एनवीडिया का ना RTX 3090 नाम का नया ग्राफिक कार्ड आया है, मैंने भी वही लगवाया है, तू भी वही लगवा ले। आई वाज लाइक ओके, लेकिन लूं कहां से? तो उसने मेरे को वेबसाइट का लिंक वगैरह निकाल के बोला कि यहां से खरीद ले। मैं लेने लगा तो वो मेरे को कहता है, भाई जब तू ले ही रहा है और तेरा काम भी यही है तो क्यों ना बेस्ट वाला ग्राफिक कार्ड ले लिया जाए। आई वाज लाइक हां बात तो सही कर रहा है, तो मैंने कहा तू ही बता दे सबसे बेस्ट वाला ग्राफिक कार्ड कौन सा है। तो वो कहता है, भाई Asus EKWB करके एक ग्राफिक कार्ड है जो कि वाटर कूल्ड वाला ग्राफिक कार्ड है, ये ना बेस्ट इन द मार्केट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तू ये ले ले। और मैंने कहा, यार ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि ये बेस्ट है, इससे बढ़िया कोई है नहीं, मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज है नहीं वाटर कूल्ड वाले ग्राफिक कार्ड्स के बारे में, पर अगर ये कह रहा है सही है तो भाई सही होगा। तो मैंने भी कर दिया ऑर्डर। अभी ग्राफिक कार्ड खराब हुए 1 हफ्ता हो चुका है एंड फाइनली मेरा नया वाला ग्राफिक कार्ड जो है मेरे पास डिलीवर हो गया है। मैंने कंप्यूटर ठीक करने वाले भैया को फोन किया, भैया नया ग्राफिक कार्ड आ गया तो इसको लगा जाओ। वो बंदा आया और देख के कहता, भैया ये तो वाटर कूल्ड है। मैंने कहा, हाँ तो करो फिट। कह रहा भैया ये ऐसे नहीं फिट होता, इसके लिए तो आपको पाइप लगेंगी, रिजर्वायर लगेंगे, पंप लगेंगे और पता नहीं फलाना ढिमकाना, ऐसी ऐसी टर्म्स बोली उसने, मेरे सर के ऊपर से चली गई। पर अब मेरे को समझ आया कि ये वाटर कूल्ड वाला ग्राफिक कार्ड है इसका मतलब क्या है। सिंपल टर्म्स में बोलूं तो जब तुम गेम्स वगैरह खेलते हो तो ग्राफिक कार्ड जो है वो हीट अप हो जाता है। अब उसको ठंडा करने के 2 तरीके होते हैं, पहला एयर कूलिंग जिसमें ग्राफिक कार्ड के अंदर फैंस वगैरह लगे होते हैं जिससे वो ठंडा हो जाता है, और दूसरा होता है ये जो मैंने मिस्टर चड्डी के कहने पर मंगवा लिया वाटर कूल्ड वाला, इसमें एक्चुअली में पाइप्स वगैरह लगी होती है सिस्टम के अंदर जिसमें ऐसा लिक्विड कूलेंट वगैरह बहता है जिससे सिस्टम ठंडा होता है। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, पर सहल हो थोड़ा सा। तो कंप्यूटर वाला बंदा कहता है, भैया ये हम लोगों के बस की नहीं है, इसके लिए तो आपको स्टोर लेके जाना पड़ेगा। और मैंने चड्डी को फोन करा, मैंने कहा, यार ये तो मना कर रहा है इसको फिट करने से और ऊपर से कह रहा है इसमें ये XYZ चीजें लगवानी पड़ेंगी, तूने कैसे लगवाई थी? कह रहा, नहीं मेरा तो एयर कूल्ड वाला है। मैंने कहा, अबे तो साले मुझे वाटर कूल्ड वाला क्यों मंगवा के दिया तूने? चड्डी ने लिटरली स्कैम कर दिया मेरे साथ, पार्डन माय लैंग्वेज, काट दिया मेरा। पर मैं इसको भी क्या बोलूं, गलती तो मेरी है ना, मुझे नहीं पता थी ना चीजें, तो मेरे को अपनी लाइफ में इतना ज्यादा मूर्ख कभी फील नहीं हुआ। मैंने फिर भी चड्डी को बोला, चड्डी भाई कोई बंदा ही ढूंढ दे यार जो ये फिट करके चले जाए। कह रहा है, हाँ भाई बस आधा पौना घंटा रुक, अभी कोई बंदा ढूंढ देता हूँ। वो आधे पौने घंटे के 1, 2, 3, 4 दिन निकल गए, चड्डी ने मैसेज के रिप्लाई करने भी बंद कर दिए।
अभी सबसे बड़ी हेडेक थी एक ऐसा बंदा ढूंढना जो वाटर कूलिंग वाला सिस्टम बनाता हो, क्योंकि दिल्ली में बहुत 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 ज्यादा कम लोग, लाइक 100 में शायद कोई एक या दो होंगे जो एक्चुअली में वाटर कूलिंग वाला सिस्टम तुम्हारा बना सकते हैं। एक वीक हो चुका था, चड्डी ने तो कुछ हेल्प करी नहीं, कोई बंदा नहीं मिल रहा था मेरे को पूरे दिल्ली में जो फिट कर सके। तो मैंने सोचा भाई रिटर्न ही कर देता हूँ इस ग्राफिक कार्ड को, इसकी जगह एयर कूल्ड वाला ऑर्डर कर देता हूँ। तो मैंने MD कंप्यूटर्स को जहां से लिया था उनको ईमेल लिख दिया कि प्लीज ये मेरे सिस्टम के साथ इनकंपैटिबल है, तो मेरे को दूसरा वाला भेज दो एयर कूल्ड वाला। वो रिप्लाई करते हैं वी आर सॉरी इनकंपैटिबिलिटी इश्यूज की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आई वाज लाइक हां हां हम तो मंदिर का घंटा आए हैं, हर तरफ से बजी रहे, आप भी बजा लीजिए। वैसे भी आपकी शिटी कस्टमर सर्विस ने जब मेरा ग्राफिक कार्ड 3-4 दिन ऑलरेडी डिले हो चुका था उसकी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट से, तब भी कोई हेल्प नहीं करी थी, तो अब भी नहीं करेंगे, दैट वाज वेरी एक्सपेक्टेड। सो 10 दिन अभी हो चुके हैं एंड अभी तक मुझे कोई नहीं मिला जो मेरा सिस्टम फिट करके दे सके। मेरे एंग्जायटी इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज़ वीडियोस नहीं बना पा रहा मैं जैसे तैसे, कभी अपने भाई के सिस्टम पे बैठ के, कभी अपने पुराने वाले खराब लैपटॉप पे बैठ के मैं अपनी वीडियोस एडिट कर रहा हूँ, स्ट्रीम कर रहा हूँ, कर लिया गुजारा। एंड फिर मुझे मिले SMC इंटरनेशनल वाले, जिन्होंने मुझे बोला कि 5 दिन लगेंगे उनको नया PC सेटअप करने में। एंड 5 दिन के बाद मैंने जब उनको फोन करा तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक पार्ट जो उन्होंने सिस्टम में लगाया था वो फॉल्टी निकला, तो अभी थोड़ा सा ऑल टाइम लगेगा एंड ऑल टाइम एंड ऑल टाइम। एंड फाइनली 3 वीक्स के बाद मेरा सिस्टम मेरे घर पे डिलीवर। इट हैज बीन अराउंड 3 वीक्स मेरा PC जो है खराब हुआ था एंड अभी SNC वालों ने जो है पूरा PC रिबिल्ड किया है, नया बिल्ड लगाया है, उसमें अंदर क्या क्या चीजें लगाई हैं आई हार्डली नो एनीथिंग एंड आई एम अबाउट टू एंटर द रूम। क्या पानी भी चल रहा है इसके अंदर, पानी यहाँ टूटी भी लगी है, एक मिनट आना, यहाँ पे यहाँ टैप भी लगी हुई है, नल का भी है ऊपर। तो मैं इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना आ गया। Finally, my setup is complete, my room is complete, and I am very, very happy. So let's start. Hey, जल्दी बोल कर सुबह पंद्रह लगा रहा है। इधर है हमारे पास मेरा DSLR कैमरा जो है सोनी का A73 कैमरा। A73 जो हमारे पास है। इसे कनेक्ट होता है using Elgato का Camlink करके एक हार्डवेयर आता है। इतना छोटा सा पेन ड्राइव जैसा होता है। हमारे मतलब आपको मैं सिखा चल। Really beautiful monitors. ये जो है ये है 1080p 240Hz वाला LG का मॉनिटर एंड ये भी LG का ही है लेकिन ये 4K है। ये 4K 60Hz है। ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मूवीज वगैरह देखने में ज्यादा मजा आता है इस पे। इसी के ऊपर मैंने लगा रखा है मेरा वेबकैम जिससे मैं आज तक क्रिकेट इंसान चैनल की सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये है Logitech का Brio 4K का कैमरा है, ये 4K में रिकॉर्ड कर सकता है। द माइक्रोफोन जो अभी म्यूट हो रखा है, एक सेकेंड या तो ये माइक जो है ये है Elgato का Wavelink 3। पहले मैं ब्लू Yeti माइक यूज करता था, ब्लू कलर वाला वो मोटा सा माइक जो आपने देखा होगा, बट ऑनेस्टली जब से मैंने ये यूज करना शुरू करा है आई लव दिस। इसकी साउंड क्वालिटी इज मच मच बेटर आई थिंक। मैकबुक जिस पे मैं बेड पर बैठ के मूवीज वगैरह देखता हूँ तो उस काम के लिए ये है, बट जब तक ये PC नहीं था तब तक मैं इस पे काम चला रहा था वीडियोस एडिट वगैरह करने के लिए। हेडफोन ये है Corsair के, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली इसका क्या नाम है, Corsair के H100 H150 ऐसा करके कुछ नाम है, तुमसे ना हो पाएगा। बहुत ही नल्ला नकारा माउस Logitech का G102 जो कि मैं आई थिंक पिछले 3 साल से यही माउस यूज कर रहा हूँ, हर 3 महीने में खराब हो जाता है, नया माउस मंगवाता हूँ, पर मैं हमेशा यही वाला माउस मंगवाता हूँ क्योंकि I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। पीछे है ये Elgato का स्ट्रीम डेक, ये बेसिकली स्ट्रीमर्स के लिए है। अगर आप लोगों को अपनी स्क्रीन वगैरह चेंज करनी है बिना अपने माउस को टच किए, इसके थ्रू आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा नेसेसिटी नहीं है भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये की लाइट्स लगी हुई है, जो बात है पैसा हो तो क्या कुछ नहीं है। थैंक्स टू टीम वाइटालिटी। कीबोर्ड जो है मेरा Zebronics का नल्ला सा कीबोर्ड है। जब भी मेरा कीबोर्ड पिछला वाला उस पर कॉफी गिर गई थी एक लाइव स्ट्रीम में, तो मैंने ये वाला कीबोर्ड मंगवाया था एंड आई थिंक बहुत बजट कीबोर्ड था, 1000 रुपए का है एंड काफी वर्थ इट है, मेरे को बहुत सही लगता है। अच्छा यहाँ पे है ये जिंदगी चुने इंजीनियरिंग नहीं, ये मेरे भाई ने मेरे को गिफ्ट किया था एंड आई लव दिस, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। जिसके आगे है लाफिंग बुद्धा जो हमको खुश रखते हैं एंड यहाँ पर है DJ मृणाल का बेटा जुगेंद्र सिंह। मैं इसको कुछ भी नाम दे दो भाई, यहाँ पे अपनी टाई पहन के बैठा हुआ है एंड यहाँ पर है अलेक्सा। अलेक्सा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रियल चीज क्या है, आप मेरा ज्ञान लीजिए। What? कितना प्यारा रूम लग रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन, मुझे अलेक्सा चाहिए। ये क्या है?
प्रोसेसर है इंटेल i7 8th जनरेशन। मैं एक काम करूंगा, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दूंगा एक एक कंपोनेंट की, अगर तुम एक्चुअली में जानने में इंटरेस्टेड हो तो वहां से रीड कर लेना। ये तो हो गया हमारा सेटअप टूर, नाउ कमिंग टू द रूम टूर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रूम टूर भी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे है अलमारी जिसके अंदर सर्दियों की रजाइयां वगैरह पड़ी हुई हैं, तो इसको खोलने का कोई फायदा है नहीं, फिर भी मैं तुम्हें खोल के दिखा देता हूँ। अंदर रजाइयां ही रजाइयां, नेवर माइंड। फिर यहाँ पे पड़ा है हैंड सैनिटाइजर, यहाँ पे फोटो फ्रेम है जो मेरे को एक फैन पेज ने भेजा था, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। यहाँ पे ये ह्यू फिलिप्स ह्यू की लाइट है, ये वॉइस कंट्रोल्ड है, मैं बोलूंगा अलेक्सा लाइट्स ऑफ तो अभी बंद हो जाएगी। ये स्वैग। और यहाँ पे ये विंडो एसी है जो कि बहुत ज्यादा आवाज करता है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अभी भी जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ तो इसका बहुत ज्यादा शोर आ रहा होगा, बट क्या ही कर सकते हैं भाई, गर्मी में नहीं बैठा जाता, दिल्ली में बहुत गर्मी है। फिर यहाँ पे गन्नू जी गणपति जी जो रूम पे एंटर करते ही हमें पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरा दरवाजा, यहाँ पे है सारे प्ले बटन जो की यूट्यूब है, ट्रिगर्ड इंसान का गोल्ड प्ले बटन, लाइव इंसान का गोल्ड प्ले बटन, लाइव इंसान का सिल्वर, लाइव इंसान सॉरी ट्रिगर्ड इंसान का सिल्वर एंड डायमंड, पता नहीं क्यों नहीं भेजा है यूट्यूब ने अभी तक। उसके बाद कमिंग टू द गेमिंग चेयर जो मेरे पास है, तो एक चेयर है मेरे पास कॉर्सेयर की जो मेरे को टीम वाइटालिटी की वजह से मिली है, तो थैंक यू टीम वाइटालिटी। एंड दूसरी चेयर है मेरे पास ग्रीन सोल की जो मैंने अपनी खुद की मर्जी से मंगवाई है, बिकॉज दिस चेयर इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर, और मैंने इसका बहुत ही दुरुपयोग कर रखा है, इस पर फालतू का सारा सामान इसी के ऊपर डाल रखा है। एनीवेज देन मेरा ये छोटा सा बेड जो आपको वीडियो में कई बार दिखा होगा, इस पे है ये मेरा नेक पिलो, ये क्यों पड़ा है यहाँ पे यार। फिर यहाँ पे ये वॉच है और ये हेडफोन है, चार्जर है, और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है, मतलब इन टोटल ये है मेरा कमरा बस, और कुछ नहीं है। तो मैं इसीलिए रूम टूर वीडियो नहीं बनाता था कि भाई कुछ है ही नहीं बनाने लायक, तो और क्या दिखाऊं तुम्हें, देखो मैंने दूसरों के सेटअप टूर वाली वीडियोस देखी हैं, एंड आई स्वेयर क्या क्या वीडियोस बनाते हैं वो लोग, भाई सिनेमैटिक शॉट्स हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे से नहीं होता भाई ये सब, तो मैंने जो रियलिटी है वही तुम्हें दिखा दिया। मेरे पास भी बहुत सारी लाइटें हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको ऑन करूँ तो और ज़्यादा लाइट्स वगैरह है, ऊपर रेड लाइट है, पीछे भी सिस्टम के लाइट्स वगैरह है, बट एक्चुअली मैं आई डोंट यूज दीज लाइट्स, मैं जब स्ट्रीम भी कर रहा होता हूँ तो सिर्फ एक ट्यूबलाइट ही चल रही होती है, तो ज्यादा लाइट्स मैं यूज नहीं करता, इसलिए मैंने सेटअप टूर में भी ज्यादा लाइट दिखाई नहीं, जो है इट इज व्हाट इट इज, हम ये नल्ले से मैं खुश हैं। एंड ये सेटअप स्लैश रूम टूर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं यहाँ पे देख सकते हो क्या गंदे गंदे पोज दे रहा हूँ, बहुत खुश था मैं एक्चुअली, आई वॉज वेरी हैप्पी कि फाइनली मेरा रूम जो है कम्प्लीट हो चुका था, अंटिल रुको जरा 5 दिन बाद फ्राइडे 9 जुलाई रात 11 बजे मैं अपने फेसबुक पेज पे GTA लाइव स्ट्रीम कर रहा था, एंड तभी मेरे नए सिस्टम में लिटरली एक ब्लास्ट। I have no idea अभी क्या हुआ है, so I was playing GTA and यहाँ पे तुम देख सकते हो कि वायर कनेक्टेड है, ये जो है ये ऑलरेडी कनेक्टेड है लेकिन इसमें लाइट नहीं आ रही है। अभी GTA खेल रहा था मैं, खेलते एकदम से ऐसा आवाज आती है जू घूम करके, खेलते खेलते एकदम से इसके अंदर से आवाज आती है जू घूम करके, कुछ फट गया अंदर, अब आई हैव नो आइडिया, ऑन नहीं हो रहा है ये, और बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मतलब ऑब्वियसली तुम्हें कैमरा में नहीं पता चल सकता लेकिन रूम के अंदर पूरे रूम में बहुत ज्यादा स्मेल हो चुकी है, आ रही है ना, मेरे ख्याल से क्या 5वां या 6वां दिन है, 6th day है, एंड इसका व्हाट आई फील इज क्योंकि इसके अंदर लाइट भी नहीं आ रही है, विच आई थिंक मींस कि इसका जो पावर सप्लाई यूनिट है वो फूक गया है। एंड यू नो द फनीएस्ट पार्ट इज कि मैं सेटअप टूर वाली वीडियो ही एडिट कर रहा था इस पे, और गजब बेइज्जती है, यही दिखाना था कि सेटअप के नाम पे ये है, ये लगवाया है मैंने नया, ये इधर, और फूक गया भाई, वीडियो पोस्ट होने से पहले ही फूक गया, कोई ग्रैंड बुरे चल रहे हैं मेरे, झंड किस्मत इट वर्क्स, हैशटैग झंड किस्मत ओपी। एनीवेज गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट, ओके ब्रो ओके, ट्रिगर्ड इंसान लाइव इंसान, तो हां भाई साहब यार वैसे इतना महंगा सिस्टम लगाया और वो गया, वो उसने बताया कि मतलब मैं GTA खेल रहा, GTA 5 खेल रहा हूं, आई नो GTA खेल रहा था और एकदम से इसमें से आवाजें बूम करके आ गई,
तो मम्मी फौरन अंदर आ गई, क्या हो गया यार आप इतनी मेहनत, यार पुराने वाला ही लगा लो ना, क्या पानी वाला आपने लगाया हुआ, लेकिन अच्छा लग रहा था लाइटिंग से, लाइटिंग से जो बात है। एलेक्सा लाइट्स ऑफ, हम भी बोले एलेक्सा कैमरा ऑफ, एलेक्सा लाइट्स ऑफ, सब कुछ खत्म। एलेक्सा तुम्हारी माँ की नौकर कुछ कर जाके। खैर कोई नहीं गाइस, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, और हाँ मुझे अच्छा लगता है लाइक करते, कमेंट करते, शेयर करते, चैनल को सब्सक्राइब करते, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें। बाकी मुझे अच्छा लगता है ये अपनी स्टोरियाँ सुनाता है, मम्मी की स्टोरियाँ बहुत पसंद है, पसंद है, रियलिटी बताता है ना। खैर फिर मिलते हैं, बाय, लव यू ऑल। We'll be right back.